बंधुओं, चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। बंधुओं, आचार्य चाणक्य ने जितना भी दुनिया में व्यक्ति है उसको चार वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का मेंस आचार्य चाणक्य के अनुसार वेद पाठी से ही नहीं है, जो विद्वान है और विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या से संबंधित हैं, वे ब्राह्मण है, चाहे किसी भी वर्ण के हों वो ब्राह्मण है। तो उनका कहना है कि बलं विद्यां च विप्राणां, जो विद्या के द्वारा संचालित हैं और बुद्धि के द्वारा संचालित हैं वो अपने बुद्धि को बढ़ाते जाएं, विद्या ही उनका बल है। राज्ञं सैन्यं बलं तथा, राज्ञं सैन्यं, जो क्षत्रिय धर्म हो, ये इससे अभिप्राय क्षत्रिय धर्म, जो अगर सेना में है या किसी कार्य में है तो वो राज्य सेना में, तो उनका किसी भी राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना में बढ़ोतरी करते जाए, राज अपने सेना को बढ़ाते जाए। फिर उनका तीसरा जो अभिप्राय है व्यापार करने वालों से, तो उनको उन्होंने वैश्य की श्रेणी में रखा है। बलंग वित्तं च वैश्याणां, अपने बल को व्यापार करने वाले व्यापार कर्मी हैं, जो व्यापारी जो हैं वह व्यवसाय के द्वारा, चाहे किसी भी व्यवसाय में आप हों, व्यवसाय के द्वारा आप अपने बल को बढ़ाते जाएं, और जो भी आपका न्यायोचित अर्थ की जो आगमन हो रहा है उसको बढ़ाते हुए आप उसको जमा रखें। फिर चौथा जो विभेद है, जो कि सेवा से उनका तात्पर्य है, सेवा में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनको उन्होंने अलग श्रेणी दिया है। सेवा में लगे हुए व्यक्ति जो होते हैं वह निष्ठावान होते हैं और उनका परम कर्तव्य ये है कि अपने सेवादार के प्रति, अपने मालिक के प्रति वो आज्ञानुभूत रहें, वो मतलब आज्ञा से परिपूरित रहें और उनका अनुशासन जो है माने और उसमें वो बढ़ोतरी करते जाएं, मतलब पारदर्शिता के साथ साथ न्यायोचित जो है आज्ञा पालन का बल उनमें जरूरी है। तो इस प्रकार चार वर्ण विभेद में व्यक्ति का विशेषण, व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति ये चार प्रकार के ही कार्य में है, चाहे वो विद्या में है या व्यापार में है या सेवा में है या छात्र धर्म में है, तो वो अपने अपने बलों के प्रति सचेष्ट रहें, अपने अपने बलों को बढ़ाने के प्रति हमेशा ही तत्पर रहें, और इसके द्वारा ही बल बढ़ाने से ही उनकी जो है व्युत्पत्ति की धारणा निर्धारित होगी और वो स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। बंधुओं, इस तरह से आचार्य चाणक्य ने हमारे समाज में चार प्रकार के वर्ग को चार वर्णों में विभाजित किया है और उनका उनमें सभी व्यक्तियों को समाहित किया है। इस तरह से अगर आपकी भी कुछ नैतिक और धार्मिक जो है मान्यताएं जिसमें कुछ संशय है, अगर संशय का निराकरण चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख भेजेंगे, हमारे विद्वजन द्वारा आप तक आपके जवाब को पहुंचाया जाएगा, चाहे